अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक, फटाफट फिट फाट। आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट मेरे साथ आयश, नसर, ओए एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड बॉय इधर देखो। जो हम लोग तीनों भी निकले वहां से, नुमान और जुनेद, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। अन्नी देया मजाक है वो वाली मूवी, उस मूवी का नाम है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहां पे जाके शुगल मेला भी लगाएंगे मूवी के दौरान, जो सीन मजे का लगता हुआ वो भी कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड करके आप उनको दिखाऊं। तो ये एक रिक्वेस्ट मेरी मान लें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अभी उधर जाके सारे सीन करते हैं। शाबाश, स्वैन में आ गए हैं, बालू निकला, आ जाओ ब्रो। जुनेद ने रोमी ने इतनी स्पीड मारी है ना, वो हालांकि निकले हमारे से इतनी देर बाद, लेकिन हमारे से पहले पहुंच गए। वेरी गुड, नाइस। ताजमहल, ये ताजमहल। नोमी भी पहुंच गया होगा क्योंकि मैं नोमी को फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहा था। और ओ मेरा यार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओ कितने तुम नोमी किधर है? नोमी का तो फोन नहीं मिल रहा, वो तो कब तक मिला हुआ है। Few moments later. नई स्टोरी होगी हमारे साथ, ताजमहल गए, वहाँ पे मूवी नहीं लगी हुई थी, तो फास्ट एक्स लगी हुई थी वो नहीं देखनी, वो उसका सुन लिया जो अब थोड़ा इसका था। यहाँ पे नगीना है, नगीना सिनेमा में मूवी लगी हुई है, वो गए हैं वहाँ से, उनको गाड़ी ले कर यहाँ पे आ जाओ, मैं पता करने के लिए आया था। अब यहाँ पे टिकट लेते हैं, टिकट ले के तो जाके मूवी शुरू करते हैं। वैसे 5-7 मिनट मूवी को शुरू होने को एक हो ना, मतलब 10 बजे होती है, उसके बाद थोड़े ट्रेलर और कौमी दराना वगैरह चलता है, तो अभी वो चल रहा होगा इतनी देर में, बस वो आते हैं तो टिकट लेके सुमंद। तू तो आप बिना भी चाला चल, मेरी बच्ची ने आज तक मेरे को कुछ नहीं लुकाया, पर तू तू उन्हें झूठ बोलना लाया, धोखा पा सबूत को तेनू तो मैं ओ बाजी जा इधर नहीं लगते, तुझे क्यों छोड़ा होना, रिपोर्ट करा दे तू। प्यार रखा तो शुरू होया, आज जो रखा करके खत्म हो गया। जज मैं ठीक हूं ना, कलीर मैं कदे बखरे नहीं आना। जी तो गाइज, भाई आपका आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, कल मूवी के बाद यार मेरा ना गला अजीब, पता नहीं इस जगह पे ना जैसे कोई चीज़ खराश टाइप इस तरह करके कुछ हुआ पड़ा है, तो मैंने इसलिए जो है वो अब आके व्लॉग शुरू किया है। दवाई शवाई खाई है वो, तो उस टाइम को सारा दिन भी व्लॉग नहीं बनाया। अभी सीन ये है कि कल मूवी देखी, उस मूवी के रिव्यूज़ में आपको यही कहूँगा कि यार एवरेज, ना बुरी ना बहुत अच्छी, नॉर्मल थी। पूरी मूवी में मेन करेक्टर एक हमारा नासिर जनेटिया शेर उसका मेन मतलब था ही वो, मतलब पूरी मूवी में मेन तो एमी विर्क था, लेकिन नासिर जनेटिया जो है वो उसने कमाल कर दी, मूवी पूरी बनाई उस बंदे ने। अगर वो ना होता तो शायद मुझे मूवी को बुरी लगती और हम सबको भी बुरी लगती जितने लोग हम लोग गए थे। ये एक मूवी के रिव्यूज़ थे, बाकी मज़ा आया दोस्तों के साथ, तो यार बंदा ग्राउंड में ज़मीन पर किसी भी जगह बैठ जाए तो इन्जॉय करता ही है। मैं अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और एक बात यार आज मैं करना चाह रहा था कि पीछे कोई तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, इसमें मैं बड़ा हर्ट हुआ था और मैंने कुछ बातें की थी, तो उसके बाद मैं ना मैं आपको अपना बताता हूँ मेरा क्या सीन है। मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करता हूँ चीज़ों को, कोई बात अगर बंदा कर भी दे तो मेरी कोशिश होती है कि यार मैं उसको कोई बात ना करूँ। लेकिन उस दिन ना मैंने सोच लिया था कि यार अब अगर कोई बंदा मुझे उंगली करेगा तो मैं बाजू करूँगा, मेरा इस तरह का माइंड बन चुका था।
फिर आज बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि यार मैं तो वो हूं ही नहीं जो मैं बन रहा हूं, मैं इग्नोर करता हूं, मैं मोहब्बत करने वाला हूं, कोई अगर इस तरह करता है तो यार उसकी अपनी मर्जी है। शायद वो बनते बनते मैं थोड़ा ना मुझे अपने आप से होने लग गया कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं ही नहीं, तो मुझे ऐसा बनने की क्या जरूरत है, मैं तो सबसे मोहब्बत करने वाला, सबके साथ प्यार से रहने वाला इस तरह का इंसान हूं, तो मैं जो हूं वो ठीक है, जिसने जो करना है वो करे, अपनी लाइफ में सारे खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जिसका जैसे मतलब है वो करे यार, मुझे अगर मतलब जो भी है यार, लास्ट जो मैंने मतलब कहा था उसको, मैं वो ना चीज़ अपने अंदर फील कर रहा था कि यार मैं वो नहीं हूँ, और अब मैंने फिर कहा कि यार नहीं, जो मैं नहीं हूँ मैं वो बनना भी नहीं चाहता, मैं जैसा हूँ, जिसका जो दिल करता है वो करे, मैं जो हूँ मैं वो करूँगा। तो बस ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक दिल की बात भी कह दी और मूवी भी देख आया, तो इसके अलावा कुछ किया नहीं जैसे आपको बताया तबीयत की वजह से, तो यहाँ पे करता हूँ अपने वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे 6 महीने से ऊपर जो है वो डेली व्लॉगिंग चली गई हुई है, बाकी का जो टाइम 6 महीने से भी बल्कि ज़्यादा 7वां महीना है, तो बाकी के टाइम जो है वो इंशाल्लाह 1 ईयर डेली व्लॉगिंग चैलेंज पूरा करेंगे, तो वो आप लोगों की मोहब्बत से होगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह कल होती है आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ, कल तक के लिए भाई को इजाज़त दें, अल्लाह।